देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। दर्शकों, सरकार की गलतियां, सरकार की खामियां आखिर युवाओं को हर बार, हर बरस, हर दशक में छेलनी पड़ती है। युवाओं का आखिर क्या कसूर है, परीक्षार्थियों का क्या कसूर है, बेरोजगारों का क्या कसूर है कि हर दफा, हर बार, हर दशक में, हर साल केवल यही लोग भुगतते हैं, यही लोग हमेशा पीड़ित रहेंगे। सरकार अगर परीक्षाएं सही से नहीं करा पाती तो इसका जो पनिशमेंट है किसको मिलना चाहिए? सरकार को मिलना चाहिए, एजेंसी को मिलना चाहिए, या फिर परीक्षार्थियों को मिलना चाहिए, उन युवाओं को मिलना चाहिए जिन्होंने बड़ी आस के साथ, बड़ी मेहनत के साथ उस परीक्षा को। दर्शकों, हमेशा इस चीज को आने वाले सालों में देखा गया है और आगे देखा भी जाता रहेगा शायद, कि किस तरीके से सरकारों की लापरवाही के चलते कितने युवा अपना सब कुछ खो देते हैं, अपने जीवन के बहुमूल्य समय को खो देते हैं, अपने जीवन के सबसे ज्यादा ताकतवर समय जिसमें वो बहुत कुछ कर सकते हैं उसको खो देते हैं। गलती किसकी? क्या युवाओं की गलती? युवाओं की गलती कभी नहीं होती इस मामले में। इस मामले में गलती होती है एजेंसी की, सरकारी एजेंसियों की, सरकार की, जो परीक्षाएं नहीं करा। इसके लिए एक बहुत साधारण सा उदाहरण मैं हमेशा देता हूं। उत्तर प्रदेश हो चाहे राजस्थान, हर तरफ एक ही है कि परीक्षाएं कराने में अगर सरकार विफल है तो इसका खामियाजा भी यहां के लोगों को, यहां के परीक्षार्थियों को, युवाओं को, बेरोजगारों को उठाना पड़ता है। आखिर क्यों, क्यों है ऐसा? संघ लोक सेवा आयोग नाम की एक परीक्षा है, उस परीक्षा में आज तक किसी तरीके का प्रदर्शन, किसी तरीके की परीक्षा पर रोक, किसी तरीके की भर्ती पर रोक ऐसा कभी नहीं सुना। लेकिन इसके बावजूद चाहे उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान, इस तरीके की चीजें हमको सुनने में मिलती रहती। उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा में गड़बड़ झाला का मामला सामने आया था, जो कि प्राइमरी टीचर्स की ही परीक्षा, लेकिन इसके बावजूद उस परीक्षा को एक तय समय में करा लिया। लेकिन राजस्थान उसका भी बाप बनकर सामने आया। राजस्थान ने एक परीक्षा है जिसका नाम है रीट, ये नीट की तर्ज पर ही होती है, रीट नाम है, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, ये प्राइमरी टीचर्स के लिए एक एग्जामिनेशन कराया जाता है जिसके तहत प्राइमरी टीचर्स बनाए जाते हैं। 2017 में हुई थी, उसके बाद फिर 2021 में कराई गई, लेकिन परीक्षा के बाद तरह तरह के आरोप लगने लगे। जो विपक्ष में थे उन्होंने आरोप लगाए कि ऐसी बात है, ऐसी बात है। पहले तो उसको स्थानीय लेवल पर जांचा गया, परखा गया, क्योंकि मामला मिला था एक ब्लूटूथ से जुड़ा हुआ था कि ब्लूटूथ के जरिए कुछ चीटिंग का पूरा सिनेरियो क्रिएट किया गया। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे तार जुड़ते गए पॉइंट बाय पॉइंट, तो बहुत बड़ा एक नेक्सस मालूम पड़ा कि किस तरीके से चोरी करवाते हैं, किस तरीके से परीक्षाएं करवाते हैं, किस तरीके से परीक्षा के पेपर्स लीक करवाते हैं। तो ये जो पूरा एक तरीके से भ्रष्टाचार का जो पूरा पहिया था, इस पहिए के नीचे आकर दब गया है और कुचल गया है युवा। कैसे, ये आपको बताएंगे और वो सभी पीड़ित आज मेरे साथ जुड़ेंगे। और राजस्थान से गहलोत साहब, आपको मुझे पता है कि आप देखेंगे, और जब आप देखेंगे तो थोड़ी सी शर्म कीजिए और सोचिएगा इन लोगों के बारे में जिनके भलाई के लिए आप सत्ता में आए थे, सरकार में आए थे, ऐसा आप दावा कर रहे थे, आपने शपथ ली थी, तब भी आप यही बातें कर रहे थे। लेकिन आज आपकी खामोशी और इनकी चित्कार बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी इस बहन का एक वीडियो इन्होंने मुझे भेजा था, इस वीडियो को दिखाएंगे। इसके बाद तमाम वो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे जो आज अपनी आवाज रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले हमारी इस बहन का वीडियो चलाइए। तब ये वापस नयों के साथ हमें क्यों घसीट रही हो? हमारी 3 साल की मेहनत वो तो खराब कर दी ना। 2 पेपर होंगे, पता नहीं कब होंगे, और 2 पेपर में नया सिलेबस, नया पैटर्न। रद्द यूपी में भी हुई थी, 1 महीने के अंदर उसी पैटर्न पर दोबारा एग्जाम करवा लिया था। हमारा तो जुलाई में एग्जाम, वो भी दूसरे पैटर्न पर। हमारे पिछले 3 साल वाली मेहनत का क्या होगा, उसका क्या होगा? किसी से ना सोचा? नहीं सोचा, कोई नहीं सोचता गरीबों की तरफ। सिर्फ जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं, जो इन आंदोलन में जाते हैं, अभी हाँ मीडिया तो उनको ही दिखाती है, हाँ ये हो गया, रद्द करवा लिया, अब खुश हो सारे, ठीक है, मिल गई शांति सभी को। हमारा तो किसी ने नहीं सोचा ना, सोचोगे भी नहीं। वो दरअसल बहुत सारी बातें कह रहा है, और ये अगर सरकार सुन रही है तो सरकार को शर्म के मारे फिलहाल
कुछ दिनों के लिए मुंह तो छिपा ही लेना चाहिए, और साथ ही साथ इनकी जो मांग है उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी मांग जो है वो पूर्णतः जायज है, लेकिन जिस तरीके की दलीलें, जिस तरीके की बातें विधानसभा में सरकार के द्वारा की जा रही हैं, और सुनकर आश्चर्य होगा कि वो ये जो विधानसभा में बातें कह रहे हैं मंत्री जी, वो दरअसल किसको बता रहे हैं, जवाबदेही किसके सामने पूरी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं विपक्ष के सामने। विपक्ष और सरकार इस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, दोनों ही पार्टियां अपना अपना उल्लू सीधा कर रही हैं, लेकिन जिनसे सच में संवाद करना है, जिनकी सच में आवाज को सुनना है, और ये जो हमने अपनी बहन की एक आवाज सुनाई वो दरअसल बस इतनी इसलिए थी ताकि आप समझ सकें कि ये लोग किस कदर परेशान हैं, किस कदर पीड़ित हैं, और किस तरह अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। लेकिन सरकार दरअसल एक अलग ही तरह के अहंकार में सोई हुई है। अगर गलती सरकार की है, और यह मैं हर बार कहता हूं कि पहले आज तो युवाओं की, आज तो लोगों की यह परेशानी हो गई है कि अगर वैकेंसी होती है तो एग्जाम नहीं होता, एग्जाम होता है तो 50 तरीके की अड़चनें आती हैं कि सवाल गलत आ गया, फिर युवा सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, हाई कोर्ट जा रहा है, और अगर कुछ भी नहीं तो लीक हो गया, और इसके बाद भी सारा बवंडर संभालते हुए भी, पहले तो युवा आज ये समस्या बन गई है कि पहले तो नौकरी की तलाश करता रहे, अगर जैसे तैसे वैकेंसी आई भी, दिन रात पढ़े, मेहनत करे, उसके बाद जब परीक्षा देकर आए, रिजल्ट भी आ जाए, नंबर भी आ जाए, उसके बाद पता लगे कि नहीं भाई, गड़बड़ झाला हो गया था, उसकी गलती है, उसने जिसने मेहनत की सालों, जिसने परीक्षा दी, उसकी गलती है, या ये सरकार की गलती है? अगर ये सरकार की गलती है तो सरकार को दरअसल नैतिकता के आधार पर कुर्सी छोड़नी चाहिए। लेकिन कुर्सी किसकी छुड़वाते हैं? कुर्सी छुड़वाते हैं युवाओं की, कुर्सी छुड़वाते हैं परीक्षार्थियों की, और इनके जीवन में कितनी ज्यादा परेशानियों को खड़ा कर देते हैं, कभी इस चीज को शायद ही ये समझ पाए, लेकिन ये नासमझ बनने का जो ड्रामा है ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। एक एक कर हम मेहमानों को भी अपने साथ जोड़ेंगे और वो अपनी सभी जो पूरी परेशानी है उसको विस्तार पूर्वक बताएंगे। सबसे पहले हम जो लोग हमारे साथ जुड़े उनको स्क्रीन पर लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आप दो लोग मेरे साथ अभी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सर अपना नाम बताइएगा सबसे पहले आप। जी सर, संदीप सिंगल। ठीक है संदीप सिंगल जी, सबसे पहले तो आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साफ सुंदर स्वच्छ आवाज आ रही है आपकी। आप सबसे पहले संदीप जी मुझे ये बताइए कि पूरा A to Z बताइए कि कहाँ से शुरू हुई गाड़ी, कहाँ पर जाकर टायर पंचर हुआ और आपको गाड़ी से उतार कर नीचे फेंक दिया गया, पूरी कहानी बताइएगा। जी सर, ये गाड़ी तो बहुत लंबी चली हुई है, जैसे 2018 में फरवरी में भर्ती हुई थी रेट के, उसके बाद में जिनको लगता था ना कि अपना नंबर नहीं आएगा, वो इस रेट की तैयारी में लग गया था लगभग, ठीक है। उसके बाद में अगर 2018 से देखें तो आज 4 साल लगभग कंप्लीट होने के लिए जा रही हैं, ठीक है। अब ये बताइए सर, जो व्यक्ति 4 साल तैयारी करके पेपर फाइट करता है, अच्छे नंबर लेके आता है, फिर उसके साथ रिजल्ट आने में लगभग ज्वाइनिंग के टाइम पे ऐसा हो जाता, तो उस पर क्या बीतती होगी? ठीक है, और दोनों सरकार सर अपना उल्लू सीधा कर रही है और कुछ नहीं है, विपक्ष और सरकार। वो तो आपको पॉलिटिकली आपका यूज कर रही है, जैसे आप समझ रहे हैं ना, पॉलिटिकली आपका यूज कर रही है, लेकिन दरअसल जो फैक्ट है उसी फैक्ट के तहत बात कर रहे हैं कि अगर आपकी गलती नहीं है, परीक्षा सरकार नहीं करा पाई, उसकी गलती, लापरवाही सरकार की, एजेंसियों की। जी सर, अब आप कहां इसको सहेंगे, आप क्यों सहेंगे इसको? जी सर, वही तो है, सहेगा कौन इसको, बेरोजगार को सहना पड़ेगा, और अब इसके आगे क्या गारंटी है कि सर पेपर लीक नहीं होगा? नहीं नहीं, इस कार्यक्रम के बाद हम उनसे भी मांगेंगे, जस्टिफिकेशन मांगेंगे कि उनका क्या वर्जन है, उनका क्या टेक है, कलम भेजेंगे विधानसभा भी। लेकिन साथ ही साथ एक और हमारे साथ एक और मेहमान है। आप सर सबसे पहले तो अपना म्यूट हटा लीजिएगा, आपने म्यूट कर रखा होगा, उसको क्लिक करके म्यूट हटा लीजिएगा। ठीक है साहब, अब अपना नाम बताइए। आ रही है आवाज? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, आपकी क्या स्टोरी है, आप भी बताइएगा। स्टोरी तो यही है सर, 2019 से तैयारी कर रहे हैं और लॉकडाउन निकल गए, उनमें भी करते रहे बढ़िया तैयारी, और अब जाके देखो क्या हो गया इसमें, मतलब 1 महीने में तो ज्वाइनिंग मिल जाती, अब तो ज्वाइनिंग मिलेगी नहीं, तो अब क्या मिलेगा सर? या तो विद्रोह कर दो, लाठी उठा के चल पड़ो,
तो वो तो अहिंसा होगी ना फिर। हाँ वही है, वही प्रदर्शन की बात जो भी एक वीडियो चलवाया था उसमें वो बता रही थी कि दो ही रास्ते बचते हैं युवाओं के पास ऐसी नजर पर, या तो वो प्रदर्शन करें, उतना बैकअप आपके पास नहीं है, उतना फंड नहीं है कि आप उस तरीके से प्रदर्शन कर पाए और सरकार को झुका पाए, लेकिन सरकार समझती नहीं है इन चीजों को, ऐसे समझती नहीं है सरकार। तो सर ये दबाव में आकर ऐसे काम करते तो सर ऐसे थोड़ी चलता है सर। तो अभी अब मैं इतना जानना चाहूंगा कि आप में से किसी ने किसी भी जो सरकार में लोग हैं किसी भी नेता से बातचीत करने की कोशिश की है? सर हमारे तो ऐसा कोई है नहीं, नेता भी जानकार नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं सर। मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है चलो हो गया सो हो गया अब? नहीं ऐसे तो नहीं है सर, हमने तो अभी याचिका दायर तो की है हाईकोर्ट में। ठीक है, हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अब आप ये बताइए, जब आपको ज्वाइनिंग लेनी थी, जब आपको बकायदा मास्टरी का एग्जाम था, मास्टर बनना था, तब आप हाईकोर्ट में आना जाना करेंगे अब आप? जी जी सर बोलिए। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जब आपको दरअसल ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए थी, आपकी तो अभी तक महीने की एंड तक तनख्वाह भी आ जानी चाहिए थी, तब आप इस तरीके से ये भागम भाग करेंगे? ये मानसिक जो भी आपको दिया गया है, ट्रॉमा दिया गया है, इसके लिए सरकार जो जिम्मेदार है, तो सरकार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके मन में आता है भाव? कुछ तो आता होगा भाव, तो यही है अब कर, आदमी कर तो कुछ नहीं सकता क्योंकि वो सरकार है। नहीं नहीं करने को तो बहुत कुछ कर सकता है, युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, और जिस तरीके से आपका जो आंदोलन है धीरे धीरे रंग ले रहा है, ये डिजिटल ही सही लेकिन इस तरीके से रंग ले रहा है कि पूरे प्रदेश तक आपकी आवाज पहुंच रही है, और जल्द ही इस पर कोई ना कोई वाजिब फैसला जो आपके पक्ष में हो सकता है जरूर लिया जाएगा। ठीक है, एक और मेरे साथ साथी जुड़ गए हैं। सर आप स्क्रीन पर है, लाइव है इस वक्त, नाम बता दीजिएगा सर अपना। सर मेरा नाम दीपक है। जी दीपक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और साथ ही साथ दीपक जी ये भी मैं जानना चाहूंगा कि आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? सर मेरा यही कहना है कि 2018 की जो वैकेंसी थी उसके अंदर भी मैं कुछ ही नंबरों से रहा था, और उससे पहले भी मेरा ये रीट का एग्जाम दिया हुआ था, उसमें भी मेरा नहीं हुआ था। तो इस बार मैंने ये 3 साल काफी मेहनत की थी मैंने धारा के बाद में, और ये 2021 में 26 सितंबर को एग्जाम हुआ था सर। तो ये मेरा अच्छा एग्जाम चला गया सर, मेरी जो मेहनत थी वो रंग ले आई थी लगभग, और इस एग्जाम के बाद में सर रिजल्ट भी आ गया था 1-1.5 महीने के बाद में, और हमें काफी खुशी भी थी कि जो मैंने मेहनत की थी वो अच्छा परिणाम भी मिला मेरे को, और मेरे सर 136 नंबर थे 150 में से, और मेरे को पूरी उम्मीद थी कि सर अब तो ज्वाइनिंग मिल ही जाएगी आराम से। पर ये जब रिक्रूटमेंट के फॉर्म भरे जा रहे थे उससे सर 2 दिन पहले इन्होंने एग्जाम को कैंसिल कर दिया सर। लेकिन सरकार ये सर ये तो अन्याय हो गया ना स्टूडेंटों के साथ। बिल्कुल अन्याय हुआ है, लेकिन ये चीज और है कि सरकार जो लीक वाली बात बता रही है, तो लीक वाली बात को लेकर आप क्या कहेंगे कि जो लोग? सर लीक वाली बात ये है कि एसओजी ने भी अपनी जो बताई है बात, और सरकार भी कह रही है कि हम इस निर्णय से खुश नहीं है, और एसओजी भी कह रही है कि इसमें लगभग 300 से ज्यादा कैंडिडेट नहीं है जिनके पास पेपर पहुंच है। तो सर हमने तो 16.5 लाख लोगों ने रीट लेवल 2 का एग्जाम दिया सर, तो 16.5 लाख बच्चों द्वारा वापस बिठाएंगे सर। यही बात कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी कमी थी दीपक साहब, आपकी कमी थी, आपका पहले नहीं हो पाया, कुछ नंबरों से आप रह गए, कहीं ना कहीं कमी थी। इस बार तो सरकार की कमी, बिल्कुल कमी थी। इस बार तो सरकार की कमी है कि वो एग्जाम्स को, एग्जामिनेशन को वो सही ढंग से नहीं करा पाई, व्यवस्थित ढंग से नहीं करा पाई, लीक हो गया। तो इसमें दीपक की क्या गलती है? सर हमारी स्टूडेंट्स की किसी की गलती नहीं है सर, ये तो सरकार की गलती हुई ना कि उन्होंने मैनेजमेंट सही नहीं रखा। इसमें तो सर पिस तो हम ही रहे हैं ना, जो जिनकी जिनकी मेहनत की हुई है वही पिस रहे हैं सर। जो नकल करने वाले हैं सर वो तो कह रहे हैं कि हर एग्जाम में नकल हो रही है, तो उनको बाहर निकालो, उनको पकड़ो सर, उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर करो, उनको आजीवन उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। नहीं वही सर, ये तो हमारे साथ भी अन्याय हो गया। वही कि जो दोषी है, जो गलत है, उनको दरअसल सरकार को पकड़ना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि एक मोहल्ले में अगर चोरी हुई है और उसमें 2-3 बार चोरी हो गई तो पूरे मोहल्ले को उठा के जेल में थोड़ी डाल दिया जाएगा। ये उसी तरीके का सर हमारे साथ तो ये होगा। हाँ तो उसी तरीके से बात है। एक और मेहमान मेरे साथ है, इनसे भी बात करते हैं। सर आपका नाम क्या होगा?
सर आप अभी लाइव है स्क्रीन पर, आपका शुभ नाम। आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ सर। हाँ सर, क्या नाम है आपका? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। नहीं, आवाज आपको आ रही है मेरी आवाज? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? ठीक, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? क्या आ रही है सर? नहीं नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ जो चौथे साथी हमारे साथ हैं स्क्रीन पर। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही मेरे पास। चलिए ठीक है, इसको दोबारा से सही कराने की, ऑडियो को फिक्स कराने की कोशिश करेंगे। दरअसल हम क्या होता है कि बाकी सभी लोग हमारे साथ हैं, इनसे मैं माफी मांगना चाहूंगा। होता क्या है कि जब जिनको आदत होती है, जैसे हमें आदत है तो हमें पता है कि कैसे आना है खिड़की पर, किस तरीके से पैनल में जुड़ना है, और बाकी नेता वेता आते रहते हैं हमारे साथ, हम बहुत ही कम होता है, ये हमारा भी दुर्भाग्य है कि हम लोगों से जुड़ पाते हैं इतने करीब से। सर आपको मेरी आवाज मिल रही है अब? चलिए ठीक है, शायद आवाज नहीं जा पा रही है। तो सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा सर, जो आप बिल्कुल मेरे पास खड़े हुए हैं, आप ही से बात करूंगा। सबसे पहले तो मुझको ये समझाइए कि यहाँ पर सरकार का, तो ठीक है समझ गए, सरकार की गलती है, परीक्षाएं ठीक से करा नहीं पाई, जिस एजेंसी को परीक्षा करानी थी उसकी गलती है, लेकिन सारा ठीकरा आप पर फोड़ दिया, सारी जो भी परेशानियां हैं वो आपको संभालनी है, सरकार का कुछ नहीं जाने वाला, सरकार तो वहीं की वहीं है। लेकिन विपक्ष जो दरअसल इस पोजीशन पे होता है कि वो जनता के लिए काम करे, यहाँ पर क्या विपक्ष की ओर से कुछ भी आपको ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, हमारे फेवर में हो सकता है? साहब आपसे बात कर रहा हूँ मैं, जो आप मेरे बिल्कुल बाजू स्क्रीन पे दिख रहे हैं, येल्लो जैकेट पहना हुआ है आपने, आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष का कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आया हो या किसी ने भी ऐसी कोई बात कही हो जिसको लेकर आपको लगा हो कि ठीक है ये हमारे हक की बात कर सकता है, किसी भी नेता का, किसी का भी? नहीं सर, विपक्ष तो चाहेगा ही नहीं, विपक्ष तो भर्ती को मतलब वैसे पूरी होने ही नहीं देगा। ठीक है, तो जैसे शुरुआत में एसओजी जांच कर रही थी सर, तो भविष्य को लेकर पूरी तरीके से भी तो आशंकित होंगे। हाँ, उस टाइम पे एसओजी की जांच को लेके विपक्ष वालों ने भी उसकी तारीफ की थी, लेकिन वही दो दिन बाद पलटी मार जाते हैं और ये सीबीआई की मांग करने लग जाते हैं। अगर एसओजी काम कर रही थी, जो बंदे पकड़े जाते उनको सजा मिलती, उनको बाहर करती है, रद्द करने से इसका कोई सॉल्यूशन थोड़ी है। देखिए, यही तो, यही सबसे बड़ी समस्या है कि दरअसल जो पूरा का पूरा, जो एक तरीके से इसको पनिशमेंट बोलेंगे, वो आप ही सब लोगों को मिल रहा है, इसके अलावा बहुत सारे। सर मैं ये बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी सर, ये पनिशमेंट मतलब सरकार तो दूर हो जाती है, भुगतना पड़ता है बेरोजगार को। अब 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, मानसिक संतुलन वैसे ठीक नहीं है, अब 1 साल और लगेगी। बिल्कुल, आप साहब कुछ कह रहे थे, आप बात क्या करें बताओ सर। हाँ जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कोई भी अपने जैसे कंकर आ जाते हैं कोई भी अपने, थोड़ा सा सर आप कैमरे के सामने आ जाइएगा थोड़ा। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो कोई भी खाने के अंदर या फिर जैसे गेहूं के अंदर कंकर पत्थर आ जाते हैं, तो अपने उसे सभी गेहूं को बाहर फेंकते हैं या उसमें से कंकर निकाल के बाहर फेंकते हैं सर? एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ, तो हमको तो सभी को सर बाहर निकाल के फेंक दिया है। और पर्सनल प्रॉब्लम में मैं बहुत ज्यादा समझ सकता हूँ, क्योंकि हम सब एक ही हैं, एक ही साथ के लोग हैं, लेकिन पर्सनल प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती हैं दीपक जी, और आप सब सुनिएगा, बहुत पर्सनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब अगर मुझको पता है कि मैंने ये फलाना एग्जाम दिया है, इसका रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट के बाद घर की पूरी स्थिति बदल जाती है। हमें से तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी शादियाँ तय हो जाती हैं, कोई सपने सजो लेता है कि आगे ये करना है, फैमिली प्लानिंग किस तरीके से करनी है, क्या क्या कैसे कैसे व्यवस्थित करना है, माँ बाप के लिए क्या कुछ करना है, लेकिन तभी आपको पता लगता है कि सरकार की कुछ गलतियों के चलते सब कुछ आप ही को सहना है, सब कुछ। हाँ जी सर, यही तो, इसमें सर रीट के बाद में सर पटवारी का एग्जाम हुआ है, ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ है, तो हमारे रीट में क्लियर हो गया था, तो इसलिए सर हमने आगे की प्लानिंग भी नहीं की, हमने सोचा कि रीट में अच्छे नंबर बन रहे हैं, उसमें हो जाएगा आराम से, तो सर उसकी वजह से सर और एग्जाम और कंपटीशन के फॉर्म वगैरह भी नहीं भरे सर हमने। ठीक है, सबसे पहले तो आप जो मेरे साथ जुड़े थे, जिनका आवाज़ नहीं आ पाया, उनसे मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहूँगा। दूसरी चीज़ यह है कि आप सभी लोग मेरे साथ पहली दफ़ा जुड़े थे, तो जुड़ने में क्या होता है कि जो लोग रोज़ाना जुड़ते रहते हैं दीपक जी, उनको पता होता है कि आदत है कि किस तरीके से जुड़ना है, तुरंत आ जाते हैं, लेकिन आप हालांकि राजनीति में नहीं है, ना ही इस पेशे में है, तो इस वजह से थोड़ा सा समय लग गया। बाकी हम लगातार इस कार्यक्रम को दीपक जी और आप सभी सुनिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताएगा कि हम आपके साथ हैं, और लगातार इस कार्यक्रम को चलाते जाएंगे, और कल हम अपना एक रिपोर्टर जो है उसको भी भेजेंगे,
और सरकार का एक वर्जन लेने की कोशिश करेंगे और आप सबकी जो बातें हैं उनको भी उन तक पहुंचाएंगे और उनका क्या टेक है, क्या वर्जन है उसको सुनेंगे और साथ ही साथ पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से सरकार को ये बात उनके संज्ञान में लाई जाए कि आपकी परेशानियां दरअसल उनके स्टेटमेंट से, उनकी बाइट से, उनके वर्जन से बहुत ज़्यादा है। आज कम समय ज़रूर था लेकिन कल से हम रोज़ाना इसी मुद्दे पर रहेंगे, रोज़ाना इस एक तरीके से कैंपेनिंग करेंगे और आपकी जो बात है उसको ज़रूर उठाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज कम समय था इसके लिए एक बार फिर आप सभी से माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन कल आप सभी के साथ जुड़ूंगा और बातचीत को रखूंगा। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन भारत एट नाइन के ज़रिए मैं बहुत ज़्यादा एक बुलंदी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि सरकारों को यह सोचना होगा कि उनकी क्या गलती है, दीपक की क्या गलती है, संदीप जी की क्या गलती है, इनकी क्या गलती है कि इन लोगों को आज ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। इन्होंने एग्जाम दिए, परीक्षा दी, दिन रात पढ़ाई की, नंबर लाए, अभी नियुक्ति होनी चाहिए थी, हुआ क्या? सरकार की गलतियों का पूरा ठीकरा इन पर फूटा और ये आज खुद स्वयं पीड़ित हो गए, कोई भी गलती ना करते हुए भी। एक कहावत है हमारी, कानून को जो लोग पढ़ने वाले हैं वो बताते हैं कि 99 दोषी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को कभी सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां तो कुछ और ही हाल है, यहां निर्दोष ही दरअसल अब दोष का दंभ झेल रहे हैं। इस पर सरकार को संज्ञान लेना होगा। हम कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। देखिए भारत एट नाइन काबेंद्र चौहान के साथ।